हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 8 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन पूरा आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। इस पर ऑलरेडी एक न्यूज आया था, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि उर्दू का फिर से एग्जाम होने का संभावना है। ठीक है, अभी डेट नहीं आया तो बस मैं संभावना कहूंगा, डेट जब आ जाएगा तब फिक्स हो जाएगा कि हाँ कैंसिल हो गया एग्जाम उर्दू का। और बाकी सब्जेक्ट में भी आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, बट बाकी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस कंफ्यूजन मत रहिएगा कि सभी एग्जाम या सभी सब्जेक्ट आप लोगों का कैंसिल हुआ है, सिर्फ अभी उर्दू कैंसिल हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस का। साइंस का तो बहुत ही बुरा हाल है। देखिए, जितना भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, 22 में से आप लोगों का 13 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। सोच लीजिए, पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। जेक सभी जेक स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप दे रहा है और बस क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है मुझे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। पहले मैं आप लोगों को कंफर्म करा दूं, आप लोगों को भी पता होगा कि जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपका बुक से ही है, एक भी क्वेश्चन बुक से बाहर का नहीं है। लेकिन 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 टर्म वन टर्म टू सिलेबस डिवाइडेड है। तो जब टर्म टू का सिलेबस दिया हुआ है तो टर्म टू का ही सिलेबस से क्वेश्चन पूछना चाहिए था, पूरा बुक से पूछा गया है। अगर पूरा बुक से ही क्वेश्चन पूछना था तो पहले ही बता देना चाहिए था जेक को कि पूरा बुक पढ़िए, बच्चे रिवीजन कर लेते। हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है, जेन्युइन क्वेश्चन ही है, बट टर्म टू के चक्कर में टर्म वन जो नहीं पढ़ा है, आसान क्वेश्चन भी रिवाइज नहीं किया होगा तो फिर गलती होने का संभावना है। जब टर्म टू से ही क्वेश्चन आना था, इस तरीके से अपडेट था जेक का, तो फिर क्या मतलब क्वेश्चन सेट करने वाले पता नहीं कैसे वे लोग भी किस दुनिया में थे, क्वेश्चन कैसे कैसे सेट कर दिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं सिलेबस आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जितना भी चैप्टर आप लोगों को दिख रहा है ये सभी टर्म टू का चैप्टर है, इसी चैप्टर से टर्म टू में क्वेश्चन आना था। अब देखिए, सबसे पहला नंबर भी आउट ऑफ सिलेबस से है। ठीक है, पहला नंबर आउट ऑफ सिलेबस से आप लोगों को मैं पढ़कर सुना रहा हूं। खैर, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग क्लास 8 के हैं इसलिए एग्जाम भी दे चुके हैं, आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मुझे मिल गया यहाँ पर। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये किताब से ही है बट सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का सिलेबस से नहीं है। फिर देखिये, सेकेंड क्वेश्चन भी, पटाखों में किस धातु का उपयोग किया जाता है, यह भी जेन्युइन क्वेश्चन ही है बट सिलेबस जो सेकंड टर्म का दिया हुआ था उस चैप्टर का नहीं है क्वेश्चन। फिर तीसरा नंबर ठीक है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर भी आउट ऑफ सिलेबस है कि प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशे का नाम लिखिए, यह भी पूरा बुक सही है लेकिन सेकेंड टर्म का सिलेबस से नहीं है। फिर आप लोगों का पांच नंबर भी आउट ऑफ सिलेबस है, सात नंबर भी आउट ऑफ सिलेबस से है, आठ भी, नौ, दस, 13, 14, 15, 16 और 20 नंबर आउट ऑफ सिलेबस है। खैर, जैसा भी है, काफी लोग कह रहे हैं कि एग्जाम अच्छा गया है क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल है। अगर आप अच्छी तरीके से क्लास 8 को पढ़े हैं तो फिर आराम से अच्छा नंबर आएगा। लेकिन बात यहां पर है, जब सिलेबस बना हुआ है सेकेंड टर्म का तो फिर पूरा बुक से क्यों, व्हाई इज दिस हैपनिंग, और क्यों जो भी क्वेश्चन सेट करने वाले थे सिलेबस को नहीं देखे, गलती कहां पर है। एक सब्जेक्ट में अगर गलती होता तो समझ में आता है, एक सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस आता तो समझ में आता है, सभी सब्जेक्ट में तो वही हो रहा है। अलग बात है कि किसी में एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, किसी में दो क्वेश्चन और किसी में 13 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो देखिए, ये तो नहीं होना चाहिए। अगर पूरा बुक से आना था तो पहले ही बता देना चाहिए था, यहां पर नंबर कम आ जाएगा बच्चों का और कॉन्फिडेंट खराब हो जाता है। ठीक है, और यहां पर इरिटेशन भी आ जाता है, बच्चों में इरिटेट हो जाते हैं कि क्या करें, अब टर्म टू से नहीं आ रहा है, पूरा बुक पढ़े हैं, अब नहीं पढ़े हैं अभी, अब तो एग्जाम चल रहा है, अब पढ़ेंगे तो फिर टेंशन होगा। देखिए, उर्दू की तरह ये भी अगर कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अच्छा गया है एग्जाम आप लोगों का। मैंने देखा कमेंट पर काफी लोग बोल रहे थे कि अच्छा गया है एग्जाम, और कैंसिल नहीं होगा तो भी अच्छा है। ठीक है, पास हो जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। और यही था वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और एक चीज, जो गिव अवे है उसका रिजल्ट कल आप लोगों को मैं दूंगा। मेरा भी आज एग्जाम था तो नहीं कर पाया हूं,
आप लोगों का नाम और कमेंट में नहीं पढ़ पाया हूँ सबका, कुछ कुछ पढ़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, ये मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग मेरा जो लूप होल से या फिर मेरा जो अच्छाई है उसको बता रहे हैं, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। और बस अगला जो एग्जाम है सोशल साइंस का, उसका अच्छा से तैयारी कीजिए और अब टर्म वन को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन बस कर लीजिएगा, फोकस टर्म टू पर कीजिएगा और रिवीजन टर्म वन को भी कर लीजिएगा, बस यही मैं आपको कहूंगा। सब आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है यानी कि बुक से आ रहा है पूरा, तो पूरा बुक ही थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। और मॉडल क्वेश्चन बना हुआ है, साइंस में 2-3 क्वेश्चन मैच किया था मॉडल क्वेश्चन से, मैच करता बट पूरा बुक से आ जा रहा है और मैं जो मॉडल क्वेश्चन बनाया हूँ सिर्फ टर्म टू का सिलेबस से बनाया हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।